हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर कैरियर एकेडमी। आज हम लोग सीएचएसएल 24 मार्च का शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का पेपर डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फुल फॉर्म आया है AIIA का, द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। इसका पीएम मोदी इनॉग्रेशन किए थे, ठीक है। ये इस्टेब्लिश हुआ है 10 अक्टूबर 2017 को। ये करेंट का क्वेश्चन है और उसका डायरेक्टर है अभिमन्यु कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर समिट 2017 कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है दिल्ली में। और 2018 का कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है ब्राज़ील में। ये क्वेश्चन आ सकता है 2018 का, अभी तक नहीं आया 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुज पीरियड एडवोकेट पोस्ट इज रिमूव्ड। तो देखिए, इसका ऑप्शन तो हमको नहीं पता है। इसमें शायद मुगल एम्परर, तीन चार एम्परर का नाम दिया होता, तो मुगल एम्परर मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर होना चाहिए। अगर अगर आपको आंसर पता हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिए। देखिए, करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल डिवाइडेड बाय होम, तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा इसको डिवाइड किया गया था। टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार होगा। आदि इस तरह इसका आंसर डेमोक्रेसी होना चाहिए, डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंडिया होना चाहिए। तो जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार आप इसका आंसर मार सकते हैं। एंजल फॉल जो है उसके बारे में आया था एक क्वेश्चन, कि एंजल फॉल से रिलेटेड क्वेश्चन, वो किस रिवर पर स्थित है, तो चुरून रिवर पर स्थित है। और ये कहाँ पर है, वेंजुला में। और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था गोवा में 2017 में, उसमें बेस्ट एक्टर किसको मिला था, तो नहुल परवेज बिस्क्रेट को मिला था। वो किसके लिए मिला था, बीट्स पर मिनट मूवी के लिए इनको मिला था। तो उसी तरह बेस्ट एक्ट्रेस का भी पूछा जा सकता है, तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए, फर्स्ट अवार्ड किसको मिला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में, किस साल ये चालू हुआ, इनोग्रेट किस साल हुआ है, तो 1965 में। और लास्ट 2017 में, तो 2017 का मेल का एक्ट्रेस का तो एक्टर का तो पूछ लिया, एक्ट्रेस का पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो देखिए, इसमें ऑप्शन तो मुझे नहीं पता है, नेशनल स्टेट लोकल ये तीन ऑप्शन पता है, तो इसमें आप चौथा ऑप्शन भी होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका होना चाहिए डेमोक्रेट, जिसे चौथा ऑप्शन होने पर ही इसका करेक्ट आंसर मिल सकता है। तो अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू इंदिरा पॉइंट से क्वेश्चन आया था। देखिए, एक क्वेश्चन लोग बोला है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट भी आ सकता है या फिर इंदिरा पॉइंट भी आ सकता है। अगर इंदिरा पॉइंट क्वेश्चन आया होगा तो उसका ये जो पॉइंट है 6.7 डिग्री नॉर्थ, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको इंदिरा पॉइंट को पैगमोलियन पॉइंट भी बोलते हैं और पर्सन्स पॉइंट्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर FCI इस्टेब्लिश्ड। तो ये 1965 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है, 14 जनवरी 1965 में। और ये कहाँ पर पहली बार, तो ये तंजावुर, जो राइस बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है तंजावुर को, तमिलनाडु को, हेड क्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में। तो ये पूछा जा सकता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हेन पाकिस्तान बिकम फुली रिपब्लिक, तो ये 14 अगस्त 1947 को फुली रिपब्लिक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, When did मानसून कम, तो मानसून कब आता है इंडिया में, मानसून आता है when wind change their direction, जब विंड का डायरेक्शन चेंज होता है। ऑप्शन के अनुसार इसका ये आंसर होगा, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट, पार्टिसिप्यूटरी, पर्टिकुलरली नहीं, सॉरी, पार्टिसिप्यूटरी रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट, ये ऑप्शन के अनुसार अर्बन प्लानिंग का होगा। और HTML का फुल फॉर्म क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। एक क्वेश्चन आया, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू नारी शक्ति, नारी शक्ति से रिलेटेड आया है इसका। देखिए, नारी शक्ति 30 मार्च 2017 को ये इस बार इस साल ये किया गया है, मनाया गया है। और ये सशक्तिकरण मतलब वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए मनाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हु इज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म का रियल फाउंडर ऋषभ देव हैं। और देखिए, ये पहला तीर्थंकर हैं और 24वां महावीर हैं। इन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 24वां तीर्थंकर जो है महावीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए वेवलेंथ दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। वेवलेंथ और स्पीड दोनों सिर्फ वैल्यू पुटिंग था। इन विच लिपि नेपाली लैंग्वेज इज रिटन, तो कौन से देवनगिरी में लिखा गया है नेपाली लैंग्वेज। फुल फॉर्म ऑफ SIDO क्या होता है, तो स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये USA के अनुसार उसका फुल फॉर्म है, ये इंडिया के अनुसार है।
तो यहाँ पर डी दोनों में डेवलपमेंट के लिए यूज किया गया है, तो जो भी फुल फॉर्म आप ऑप्शन में होगा उसके अनुसार इसको मार सकते हैं, डी डेवलपमेंट के लिए हो सकता है। तो इसका आंसर होगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ग्राम पंचायत का लेवल पूछा था, तो देखो ग्राम पंचायत का लेवल वन में होता है, ग्राम पंचायत लेवल वन में होता है, उसी तरह पंचायत समिति होता है लेवल टू में, जिला परिषद होता है लेवल थ्री में। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द पार्लियामेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो इसका चार ऑप्शन होगा, जो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होगा उसको आपको टिक मारना होगा। देखिए हीट रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो हीट रिलेटेड, हीट का फॉर्मूला पता है आप लोग को, एच बराबर आई आर आई स्क्वायर आर टी। अब इसमें वैल्यू पुटिंग होगा, जो भी वैल्यू आया होगा जो पूछेगा निकालने के लिए उससे यहाँ से निकाल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, फिरोज मैरिड हुज डॉटर फ्रॉम द विजयनगर किंगडम, तो जो फिरोज साथ फिरोज थे वो कहाँ किसकी डॉटर से विजयनगर किंगडम में, तो वो देवराय के डॉटर से शादी किए थे। फर्स्ट एयर डिस्पेंसरी, तो देखिए फर्स्ट एयर डिस्पेंसरी जो है वो मणिपुर इम्फाल शिलोंग मेघालय में खुला गया, और ये ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होना चाहिए। क्या ऑप्शन तो मुझे नहीं पता है, मगर इस तरह इसका मणिपुर और ये मेघालय आंसर होना चाहिए। विच टिश्यू कलेक्ट फूड इन द प्लांट, तो ये होता है फोलम जो होता है वो कलेक्ट करता है, ठीक है। आगाम रिलेटेड टू विच रिलीजन, आगाम जेनिज्म से रिलेटेड है, जैन जैन धर्म जो होता है उससे रिलेटेड है आगाम। देखिए करंट निकालना है, चार्ज दिया हुआ और टाइम दिया हुआ है, तो आई बराबर क्यू बाई टी फार्मूला होता है, चार्ज आप पुटोगे टाइम पुट करोगे तो आपको करंट निकल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ प्रधानमंत्री वाया वंदना, तो PMVBY का क्या लिमिट था, तो ये था 15 लाख। तो PMVBY का देख लीजिए, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, तो ये किसके लिए आया था, 60 साल और उसके एबव के लिए इसको लाया गया था, और इसका लिमिट जो है बढ़ा दिया गया, पहले 7.5 लाख था अब 15 लाख कर दिया गया है, और ये स्कीम 2020 तक इसको चलाया जाएगा, इसको अप्रूव किया गया है। अटल पेंशन योजना, मैक्सिमम पेंशन कितना दिया जाता है, तो 5,000 पर मंथ दिया जाता है इसमें। पोलर आइस कैप कंटेन, ये पोलर जो आइस होता है, जो पोलर वो गलता है तो वो फ्रेश वाटर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्कीम इन विच 100 वेबसाइट क्रिएटेड फॉर दिव्यांग्स, तो देखिए एसेसिबल इंडिया कैंपेन के लिए 100 वेबसाइट बनाया गया है। म्यांमार शेयर लार्जेस्ट बाउंड्री विथ चाइना से शेयर करता है 2204 किलोमीटर। अटोमिक बम प्रोसेस किसका है, न्यूक्लियर फिजन के लिए है। विच कंट्री इशू इस्लामिक बॉन्ड, तो ये इसका ऑप्शन मौजूद नहीं है, वहाँ से आप ऑप्शन ले सकते हैं, और देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन ये कर सकते हैं आप लोग। रेलवे बायो टॉयलेट टू बी अकम्पोलिस्ट बाई विच डेट, तो दिसंबर 2018 तक। देखिए सारे रेलवे के हर एक डब्बे में जो शौचालय है उसका प्रबंध किया जाएगा, तो दिसंबर 2018 टारगेट रखा गया है। MIT मीडिया लैब रेबोरेटरी इस्टेब्लिश फॉर, ये चिल्ड्रंस एडुकेशन के लिए इस्टेब्लिश हुआ था। FEMA एक किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो देखिए तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट, ये दोनों फॉर्मूला है, तो ए या तो एक्ट के लिए स्टैंड होगा या फिर एजेंसी के लिए स्टैंड होगा, तो जो दो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में होगा वो आप टिक कर सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है प्रोपोगेशन का, ठीक है। स्टिकी पार्ट ऑफ द फ्लावर को हम लोग एंथर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी इंक्रीज फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, ये भी SSC का पुराना क्वेश्चन है। बेस्ट मूवी अवार्ड इन द के कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेयर में बेस्ट मूवी किसको मिला है, लॉस पेरस को मिला है। देखिए कॉग्नेंट का सिनोनिम्स पूछा है, तो आप जो भी ऑप्शन में होगा इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, जो ऑप्शन में होगा उससे मार और टिक कर सकते हैं आप। ग्रेटिफाई का एंटोनिम्स पूछा है, तो ग्रेटिफाई का डिसप्लीज हो जाता है इसका एंटोनिम्स। इम्पेरिकल का सिनोनिम्स पूछा है, तो हम सारा सिनोनिम्स लिख दिए हैं जो आपको इसमें फर्स्ट हैंड रियल, तो आप जो ऑप्शन में होगा उसके अनुसार देख लीजिएगा, और जो और सारे को भी देख लीजिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑस्टेरिटी का पूछा है, इसका मतलब क्या होता है, एटीट्यूड। थर्ड शिफ्ट में पूछा है म्यूनिफिशियंट का सिनोनिम्स पूछा है, तो इसका जेनरस हो गया है, ओपन हैंडेड हो गया है, मैग्निमोनस हो गया है, फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया है, हैंडसम हो गया, बहुत सारा है, तो ये सारे को देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में इसे पूछा जा सकता है। फ्लेडगिलिंग का सिनोनिम्स पूछा है, तो इमरजेंट सनराइज, तो ये सारा देख लीजिएगा सिनोनिम्स।
चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।